उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सिपाही भर्ती निकाली गई, लेकिन आयु सीमा की छूट की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और उसके तत्काल बाद एक फैसला लिया गया जिसमें आयु सीमा की छूट दे दी गई। धीरेन्द्र सिंह जी हैं हमारे साथ नोएडा जेवर से बीजेपी के विधायक, और संजय शर्मा जी हैं अनूपशहर बुलंदशहर से विधायक। दोनों ने मीटिंग करी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। क्या बातचीत हुई युवाओं को इतना बड़ा तोहफा देने से पहले, ये जान लेते हैं। धीरेन्द्र जी, क्या बातचीत हुई आप लोगों की और क्या बातें लेकर के पहुँचे थे मुख्यमंत्री के पास? देखिए, 23 तारीख को NCR क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान जो कई सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि जब हमारी उम्र 2 महीने कम थी उस वक्त भर्ती ये निकली थी और उसके बाद 5 साल बाद अब भर्ती निकली है, तो ना तो हम पहली भर्ती में भाग ले पाए और ना अब हम ले पा रहे हैं क्योंकि ओवर एज हो गए। कोरोना के 2 काल आए, वह प्राकृतिक आपदा थी, उसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़े, या फिर 5 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली गई, तो उसमें हम नौजवानों की क्या खता है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारा पक्ष प्रदेश के मुखिया के समक्ष, सरकार के समक्ष रखना चाहिए। तो ये चूंकि पीड़ा थी सारे नौजवानों की, पूरे प्रदेश और देश के, तो मैंने समझा ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। तत्काल ही 23 तारीख को ही सारी उनकी व्यथा को लिखकर हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को मेल किया और वार्ता की। उसके बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आईं। उन्होंने हमें समय देकर लखनऊ बुलाया। जब हम लखनऊ पहुंचे 5 बजे के करीब, तो हमने सारी बातें मुख्यमंत्री के समक्ष दोनों विधायकों ने रखी और बताया कि ये हालात हैं। जिन नौजवानों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा नौजवानों वाला प्रदेश है, वहाँ के नौजवान अगर अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ओर से ये हक तलफी होगी। मुख्यमंत्री ने सारे हालात को समझा और तत्काल ही DGP और प्रमुख सचिव गृह को वहाँ बुलवाया और उन्होंने कहा, देखिए ये हमारे विधायकों की तरफ से निरंतर आवाज़ आ रही है और अन्य जो विपक्षी पार्टियाँ वो भी इस मुद्दे को उठा रही हैं, नौजवान भी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जायज़ बात है और इसमें रिलैक्सेशन दिया जाना सभी को मुनासिब होगा। तो उसके निर्देश जारी दिए, उसके 2 घंटे बाद ही शासनादेश भी जारी हो गया, सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया। तो ये बहुत बड़ा निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय नौजवानों के लिए रहा हमारे प्रदेश के मुखिया का, और मैं तो उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि देखिए हम लोग तो विधायक हैं और हमारा काम है कि आवाम की जो आवाज़ है वो हम सरकार तक सही समय पर पहुँचाएँ। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमने एक ऐसा नेक कार्य किया जिसके लिए आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें याद रखेंगी, हमारी सरकार को याद रखेंगी, और हमारी सरकार ने भी यह सिद्ध कर दिया कि किसानों के मसले हों, नौजवानों के हों, या समाज के किसी भी वर्ग के हों, सरकार हमेशा उसमें संवेदनशील होती है और आगे आकर ऐसे निर्णय इस प्रदेश में इस वक्त लिए जा रहे हैं जो बहुत ही इस प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं, और मैं पुनः मुख्यमंत्री का धन्यवाद इसके लिए करता हूं। संजय शर्मा जी हैं बुलंदशहर से विधायक। संजय शर्मा जी, आपसे, आप भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, आप लोगों ने जो बात करी वो हमें विधायक जी ने बताया, लेकिन उस पर सियासत भी खूब हुई। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई एक डेटा पेश कर दिया ट्विटर पर इस तरीके का। जयंत जी ने कहा कि उन्हें तोहफा मिल गया है, बर्थडे गिफ्ट मिल गया है, सियासत भी खूब हुई इस पर। देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका काम है हर चीज़ में सियासत ढूंढना, लेकिन ये एक अभूतपूर्व निर्णय था और किसी सरकार ने इससे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं किया। और अगर ये जयंत चौधरी जी को लगता है कि उनका जन्मदिन का तोहफा है तो बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी का तोहफा वो कबूल करें, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये तोहफा इस प्रदेश के हर उस युवा को था जिसके सपने टूट चुके थे, और सही मायनों में तो ये उनका नया जन्म है, और ये जन्मदिन का तोहफा हर उस युवा को है जो अपने सपनों को टूटने से निराश हो रहा था। जो युवा होता है हमारे प्रदेश की संपदा है, अगर हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, वो डिमोरलाइज होगा, तो हम इस प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने युवाओं की इस भावनाओं को, क्योंकि हम उनको अवसर नहीं देते तो उनके साथ अन्याय करते हैं, वो सेलेक्ट हों नहीं हों ये तो उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन हम उनको अवसर से वंचित रखेंगे ये एक बहुत बड़ी निराशा का विषय था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और प्रदेश के युवाओं को फिर से अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और सभी युवाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो किसी भेदभाव के बिना, किसी भ्रष्टाचार के बिना, किसी जातिवाद के बिना, पिछली जो भर्तियाँ हुआ करती थी उन पर तरह तरह की उंगलियाँ उठा करती थी, लेकिन जो हमारी सरकार की पिछली भर्ती थी उसमें हर गाँव से
युवा चुने गए बिना किसी भ्रष्टाचार के, ना किसी किसान को जमीन बेचनी पड़ी, ना किसी माँ को अपने जेवर गिरवी रखने पड़े। उससे पहले 5 जिलों की लिस्ट आ जाया करती थी, इसलिए युवाओं में बहुत उम्मीद थी कि इस बार जब ये भर्ती प्रक्रिया होगी बहुत निष्पक्ष पहले की तरह होगी और उनको अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उनके सपनों को साकार किया है। जयंत चौधरी जी को भी जो गिफ्ट है वो मुबारक, और हमारे जितने युवाओं को जो गिफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी दिए उनको भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है वो मुख्यमंत्री जी के सपनों की एक सेवा इस प्रदेश को चुन करके देंगे। बिल्कुल, युवाओं के चेहरे पर जब खुशी आई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा और बड़ा गर्म हो रहा था ये मुद्दा, लेकिन सही समय पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका फैसला लिया और जो लोग सोशल मीडिया पर जो युवा अपना दर्द बयां कर रहे थे उसका संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बड़ा फैसला किया है, युवाओं को, नौजवानों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी।